फी ज़माना जब दज्जाली चालें नए नए हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, दुनिया की जगह चूम ने अक्सरियत को अपनी लपेट में लिया हुआ है, हमारे नौजवान और बच्चे भी बाज़ औक़ात इसके ज़ेर असर आ जाते हैं। ऐसे में हमें अपने लिए भी बहुत दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इन शैतानी हमलों से, तजाली हमलों से बचा के रखे और अपने बच्चों को अपने साथ चिमटा कर, अपने साथ लगा कर, एक उनका ख़ास ताल्लुक अपने साथ पैदा करके उन्हें खुदा ताला की हस्ती और इस्लाम की खूबसूरत तालीम के बारे में भी बताने की ज़रूरत है, और फिर मुकम्मल यकीन करवा कर, बच्चों के दिलों में मुकम्मल यकीन पैदा करवा कर, फिर उन्हें ऐसा खुदा ताला के साथ चिमटाने के उनका कोई फेल, कोई अमल, कोई काम, उनकी कोई सोच खुदा ताला की रज़ा के ख़िलाफ़ ना हो। उसकी तालीम के ख़िलाफ़ ना हो। हर दुनियावी सोच और फितने का उनके पास जवाब हो। यह नहीं कि बाज़ चीज़ों के जवाब नहीं आते और दूसरों से मुतासर हो जाए वो, और उस जवाब की वजह से वो अपने आप को इस फितनों से महफूज रखने वाले बन सकें। और यही हमारी नस्लों की ज़िंदगियों को संवारने और उनकी बका की ज़मानत है, और यही हर किस्म के फितनों से अपनी नस्ल को बचाने का सही तरीक है। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम खुद भी ईमान और यकीन में अपने आला मयार हासिल नहीं करते, उस मयार तक नहीं पहुंचते जो एक मोमिन का खासा होना चाहिए। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हमारा ताल्लुक खुदा ताला से मज़बूत होगा, हमारी नमाज़ें, हमारी इबादतें मयारी होंगी, हम अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझने वाले होंगे कि हमने क्यों हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बैत की है।